उज्जैन के महांकाल थाना क्षेत्र में आने वाले बेगमबाग चौराहे पर इस समय लॉकडाउन में पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे हैं और वहीं पर एएसआई लोकेंद्र सिंह बेस की ड्यूटी भी लगी हुई है। इसी दौरान चौराहे पर पुलिसकर्मियों को करीब 8,000 रुपए से भरा हुआ एक पर्स मिला, जिसके अंदर 8,000 रुपए नकदी और कीमती दस्तावेज थे। पुलिसकर्मियों ने जांच की और दस्तावेजों के आधार पर जिसका पर्स था उस युवक को बुलाया गया और पहचान करने के लिए और उसे पूछताछ की गई। पूछताछ में युवक ने सही और सत्य जानकारी दी। फिर पुलिसकर्मियों ने जिस युवक का पर्स था उसे लौटा दिया। अपना गुम हुआ पर्स पाकर युवक खुश हो गया, क्योंकि इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है और लोग परेशान हैं, काम धंधे सब बंद है और इस दौरान घर खर्च चलाने के लिए काम में आने वाले पैसे रखे हुए थे वह उसे वापस मिल गए, जिससे वह खुश हुआ और पुलिस के इस ईमानदारी के प्रति नतमस्तक हुआ। हम इस समय खड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण थाना क्षेत्र कहा जाने वाला क्षेत्र यहाँ कहलाता है। यह जो है महाकाल थाना क्षेत्र का बेगमबाग मुख्य चौराहा है, जहाँ पर अगर बात करें गंभीर महामारी कोरोना वायरस के दौरान इस जो थाना क्षेत्र के पुलिस जवान और थाने के जो स्टाफ कर्मी यहाँ पर ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं और जो है ड्यूटी निभा रहे हैं, उसी दौरान एक वाक्य घटित हुआ जिसमें एक जरूरतमंद युवक का पर्स करीब 8,000 रुपये नकदी से भरा हुआ है, वह पर्स ले जाता है और ड्यूटी पर तैनात एएसआई लोकेंद्र सिंह बैस सहित अन्य पुलिसकर्मियों को जैसे ही यह पर्स मिलता है वैसे ही उस पर्स में दस्तावेजों के आधार पर युवक की पहचान की जाती है। फिर युवक को फोन लाकर बुलाया जाता है और उसके जरूरत के जो 8,000 रुपये रखे हुए थे वह पर्स उसको लौटा दिया। हम इस समय खड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण थाना क्षेत्र कहा जाने वाला क्षेत्र यहाँ कहलाता है। यह जो है महाकाल थाना क्षेत्र का बेगमबाग मुख्य चौराहा है, जहाँ पर अगर बात करें गंभीर महामारी कोरोना वायरस के दौरान इस जो थाना क्षेत्र के पुलिस जवान और थाने के जो स्टाफ कर्मी यहाँ पर ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं और जो है ड्यूटी निभा रहे हैं, उसी दौरान एक वाक्य घटित हुआ जिसमें एक जरूरतमंद युवक का पर्स करीब 8,000 रुपये नकदी से भरा हुआ है, वह पर्स ले जाता है और ड्यूटी पर तैनात एएसआई लोकेंद्र सिंह बैस सहित अन्य पुलिसकर्मियों को जैसे ही यह पर्स मिलता है वैसे ही उस पर्स में दस्तावेजों के आधार पर युवक की पहचान की जाती है। फिर युवक को फोन लाकर बुलाया जाता है और उसके जरूरत के जो 8,000 रुपये रखे हुए थे वह पर्स उसको लौटा दिया जाता है। किस प्रकार से यह वाक्या घटित हुआ और किस प्रकार से क्या हुआ उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, बताएंगे किस प्रकार से वाक्या घटित हुआ और क्या रहा। कल मुझे का वाक्य है, दोपहर एक छोटे पश्चात एक युवक यहाँ से निकला, निकलने के दौरान उसके जेब से एक पर्स गिरा, गिरने के बाद वो आगे चला गया, हमारे पुलिस जवानों ने उस पर्स को उठाया और उसमें हमने पैसे के अलावा दस्तावेज देखे, दस्तावेज में उसका कॉन्टेक्ट नंबर पाया गया और उस कॉन्टेक्ट पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान जिसके युवक को मौके पर बुला के पूरी जानकारी ली गई, कितने पैसे या कौन से दस्तावेज मौजूद है, युवक सही पाया गया और इस दौरान उसको उसकी राशि लौटा दी गई। तो देखा, ये जो हमारे साथ चर्चा कर रहे थे इकबाल जी खान साहब, नगर पालिका निगम में पदस्थ हैं और कर्मचारी के रूप पर यहाँ पर इनकी भी ड्यूटी लगी हुई है, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से महाकाल थाना क्षेत्र में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों ने ईमानदारी का परिचय देते हुए एक ज़रूरतमंद युवक का जो पर्स मिल गया था उसको लौटाया ताकि वह अपना जो है गुजर बसर कर सके, जो पैसे रखे हुए थे उनके माध्यम से। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा, वॉइस ऑफ राइट।